स्टॉक करता है, आपको देखता है, और इसी सब की बात करेंगे एंड किस किस तरह से ये हम सब की जिंदगी को अफेक्ट करता है उसकी बात करेंगे. वेलकम टू द ट्रेलर लॉन्च ऑफ घुसपैठिया लेडीज एंड जेंटलमैन. एक बार जोरदार तालियां फॉर द मेकर्स एंड आई विल स्टार्ट विद दिस विजनरी. एक बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इससे पहले बड़ी सारी फिल्में दी हैं एंड पैन इंडिया रूप पे इन्होंने फिल्में दी हैं. सुशी गणेशन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. गॉड इज द वेरी टैलेंटेड उर्वशी रौतेला को लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हर. Looking as gorgeous as ever. And of course, two handsome munde yahan pe pahunche gaye. Vineet bhai, congratulations on this. Akshay, thank you so much. This is looking fab. And itni aise thodi kar rahe. Urvashi, you're looking as gorgeous as ever. And wo jo wo ek alag level pe ja rahi hai na picture, wo emotional bada ek graph sa hai, usko bhi bakhubi aapne nibhaya hai. So congratulations on that. Vineet bhai, I'll start with you. Honest corrupt. And corrupt, corrupt. जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो किरदार आप प्ले कर रहे हो, the character that you're playing here, उसका ना अपनी असमंजस है, वो dilemma बोलते हैं ना, वो उसमें चल रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं. First of all, how did you manage to pull this off? And उससे भी पहले इस पूरी फिल्म के बारे में, what was that one thing that hit you कि यार मुझे ये तो करनी ही है. अब ये आज की सच्चाई है और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अनुभव उन्होंने किया होगा कि हमारी लाइफ में पहले क्या होता था कि घर का दरवाज़ा होता था, दरवाजे से लोग घर में आते थे. अभी दरवाज़ा जो है हमारा फ़ोन है और फ़ोन के थ्रू हमारे घर में आ जाते हैं और इतना कुछ जान जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उथल पुथल मचा के रख देते हैं. तो ये फिल्म उस दुनिया में लेके जाती है और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक डिजिटल रिवोल्यूशन के दौर को हम सब ने देखा है, अभी भी देख रहे हैं, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो जब आपकी ज़िंदगी में कहीं हावी हो जाता है तो समझ नहीं आता कि निकलें कैसे. बिकॉज़ हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, बहुत कुछ ऐसा सीख के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे होते हैं और अचानक जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो समझ नहीं आता कि इससे डील कैसे करना है. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी एंड थैंक्स टू सुशी सर के इस सब्जेक्ट पे उन्होंने एक पूरी फिल्म बनाई है जिसे आप देखेंगे तो समझ में आएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. और हर कोई पहले ऑनेस्ट ही होता है, बाद में ज़िंदगी के थपेड़े उसे थोड़ा ऑनेस्ट करप्ट की तरफ लेके जाते हैं. तो मेरे किरदार की कहानी कुछ ऐसी ही है. क्या बात है, थैंक यू सो मच. एक बड़े कमाल की चीज़ थी यहाँ पे, यू नो, इतनी कमाल की कास्ट होने के बावजूद ये कैंपेन ना फेसलेस सा था. हमने देखा कि चेहरे नहीं दिखाए जा रहे थे इन बेहतरीन एक्टर्स के एंड आई थिंक दे वर वेटिंग टू शो इट टू यू अपने कंटेंट के जरिए. और ऐसा क्यों किया था, क्या क्या फॉलो कर रहे थे, आई विल टॉक टू द डायरेक्टर फॉर श्योर. लेकिन उससे पहले देयर वर अ फ्यू लकी पीपल हु गॉट टू वॉच द ट्रेलर बिफोर हैंड. कुछ एक फिल्में लगी हैं उनके साथ ये ट्रेलर चल रहा था, दे वर वेरी एक्साइटेड. वो लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं कि यार हमको मजा आ रहा है, फुल ट्रेलर कब आएगा. उर्वशी, फॉर यू ग्राफ है इस कैरेक्टर में. फर्स्ट हाफ में यू लाइक दिस, यू नो, हैप्पी गो लकी चल रहा है, आप तो मेरे पति हैं, वो वहाँ बॉयफ्रेंड हैं एंड ऑल दैट. सेकेंड हाफ में वो एक अलग शेड्स आ जाते हैं. टेल मी, इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? जी, जो हमारी फिल्म है घुसपैठिया, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे आए उसके लिए तहे दिल से, यू नो, शुक्रिया टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ मीडिया एज वेल. जो ये फिल्म थी, ऑब्वियसली इस फिल्म में जो है उर्वशी एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग रोल है, आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंस दिखेगा, परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल है. और इस फिल्म की जो टाइटल है घुसपैठियाँ, तो जैसे हम सभी लोग इकट्ठे आज यहाँ बैठे हैं, तो होता नहीं है कि एक टीम मेंबर हो या कुछ भी हो, एक टीम हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, तो एक घुसपैठिया कैरेक्टर ज़रूर होता है. उसी तरीके से हमारे फिल्म में भी यही दिखाया गया है. और 9th of August को रिलीज़ होने के लिए जा रही है. काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर ऑफकोर्स, बिकॉज वो अपने हस्बैंड से ऑफकोर्स प्यार करती है. आई मीन यू विल गेट टू सी इट इन द मूवी. मैं सब कुछ पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं देना चाहूँगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक एक सेकेंड बहुत ही ग्रिपिंग है फिल्म. और कहीं भी ये एहसास नहीं होगा कि हमेशा जो भी दर्शक लोग हमारे ऑडियंसेस फिल्म देखने के लिए जाएंगे उनके लिए हर पल बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ आर डायरेक्टर मिस्टर सुशी गणेशन जी. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. ही हैज़ बीन वर्किंग टायरलेसली एवरी सिंगल डे एंड नाइट फॉर दिस फिल्म.
सिंस हमने 2019 में ये स्टार्ट की थी, आज 2024 आ गया है और अब जाकर हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो हमें आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद की ढेर सारी ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं हमारे जो इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर्स हैं उनके ज़्यादा एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू देम एंड थैंक्स टू देम, रमेश रेड्डी जी, मंजरी जी, ज्योतिका जी, टू ऑल एवरीबडी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस फिल्म। And I mean, I just want to say, I think कोई भी character, for example, ये जो आभा का character है, बहुत ही ज़्यादा challenging था, difficult था, but जब आप इतने तुर्रम खा actors के संग काम कर रहे होते हैं, for example, like विनीत कुमार सिंह एंड अक्षय ओबरॉय, तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के संग ये बात बोल सकती हूँ कि आई वॉज नॉट जस्ट वर्किंग विद ग्रेट स्टार्स, बट आई वॉज वर्किंग विद टेरिफिक एंड ग्रेट एक्टर्स एंड इवन ग्रेटर ह्यूमन बींग्स। सो थैंक यू सो मच विनीत एंड अक्षय, थैंक यू फॉर बींग यू नो फॉर बींग देयर ऑल थ्रू आउट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट उर्वशी। एक चीज़ मैं ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि उर्वशी को इस तरीके के किरदार में आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आई एम श्योर अक्षय, दिस वन्स फॉर यू, टॉक टू अस अबाउट दिस कैरेक्टर। एंड उससे भी पहले, व्हेन यू गॉट दिस, है ना, बिकॉज वो एक क्विंटेसेंशियल हीरो वाला और इतनी कमाल की फैन फॉलोइंग है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रे शेड्स थोड़े क्या बहुत ज्यादा ही दिख रहे हैं। सो वर यू स्केप्टिकल, वर यू लाइक नहीं ये क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ, तो टॉक टू अस अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरी वन, थैंक यू फॉर कमिंग। आई नो कि बारिश पड़ रही है, ट्रैफिक बहुत है, बट आप लोग आए वो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार बड़ी क्लीशेड सी बात करूँगा, मैं लेखक नहीं हूँ जैसे विनीत हैं और मैं इतनी बढ़िया बातें नहीं कर सकता जितनी उर्वशी करती हैं, बट क्लीशेड बात करूंगा एक, स्पेशली इस फिल्म में, हर फिल्म में ऑब्वियसली यू रिलाय लॉट ऑन योर डायरेक्टर, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, बट इस फिल्म में खास तौर से आई रिलाइड ऑन वन मैन, सुशील गणेश सर, फॉर एवरीथिंग। एंड अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मेरे लोग यहाँ पे खड़े हैं जो मेरे स्पॉट बॉय वीरेन ऋषि जो मेरे हेयर मेकअप करते हैं, वो भी खुद मुझे बोलते हैं कि अगर सुशी सर ने वो नहीं करवाया होता ना तो इतना मज़ा नहीं आता। सो इट्स ऑल हिम एंड आई रियली मीन इट इन दिस, पर्टिकुलरली इन दिस फिल्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, सेकेंडली यार मैं एक एक्टर हूँ, मैं मेरा कोई इमेज नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरी लाइमलाइट है और लोग ऐसे किरदार एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, तो मेरे एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत आज़ादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड एक लिहाज से कोई बोलेगा कि इट्स अ गुड थिंग, सम पीपल माइट सी इट्स अ बैड थिंग, फॉर मी इट्स अ जॉय, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई दायरा नहीं है। तो अगर ख़ास तौर से ये नेगेटिव जो रोल्स होते हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, मासूम हूँ मैं, मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है, मैं सिर्फ एक्टिंग जानता हूँ, एक ही काम जानता हूँ और पैशन से करता हूँ वो काम। तो जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करता हूँ तो अपने बारे में जानने लगता हूँ, तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सेल्फिश कारण है उसका, कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं जितना अपने आप को समझूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग उतना बेहतर एक्टर बनूंगा। तो मेरी कोशिश वही है कि हर फिल्म में जाऊँ और एक्टिंग पे इजाफा करूँ, बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं, सो दैट्स द ट्रूथ। कमाल है, कमाल है, सीरियसली जी, प्लीज रोशि। इनफैक्ट मैं भी खुद अचंभित हो गई थी, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन्स थे, इनफैक्ट मेरे सामने ही अक्षय परफॉर्म कर रहे थे, तो जब मैं उन्हें देखती थी आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज दैट ही वॉज सो डीप इन टू इट, इतने ज़्यादा पैशन के साथ, कि मैं खुद हो जाती थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं, लाइक यू नो फॉर हिम इट वॉज जस्ट लाइक अच्छा ये करना है ठीक है, अच्छा ये करना है ठीक है, इट यूज़ टू टेक हिम जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ही यूज़ टू बी लाइक दैट। तो कभी कभी मैंने इनको उस टाइम नहीं बताया कि बट आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड, आई मीन जिस तरीके से इनका लाइक अ कैमेलियन इस तरीके से वो चेंज ओवर लेकर के आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग, पैशन दिख रहा था, यू नो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग अभी टीम के साथ, कि ही इज सो पैशनेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड ऑफ कोर्स जो भी वो करते हैं। सर टॉक टू अस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाई घुसपैठिया सर, व्हाट मेड यू से दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? सी आई एक्चुअली आई पिक अप माय स्टोरीज फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, इफ यू रीड न्यूज़पेपर जस्ट एन नंबर ऑफ दिस, यू नो घुसपैठिया एवरी डे यू कैन सी द पेपर, either you are just willing or without your permission anybody can enter into your life, yeah, at any time. So 24 hours our roof is open, so anybody can jump in, that they can intrude in our life without knowing that they are intruding. So that is a basic thought I picked up.
And especially this particular character, just what a protagonist, you know, Vinit Bhai just played. It's a real character. Just one of my close friend, he was working in the department. He's an inspector. Almost in the intelligence department, he worked for more than 12 years. When he narrated the story, I completely lost faith in this, you know, the system. You know, especially just, you know, if you allow me to overhear your conversation for 24 hours, I will tell you who you are. That is, the color of the person, the real person will come out only just hearing the 24-hour conversation. Right. So when he narrated the story, whatever the image I got about the people in that particular, you know, place, completely changed. So one day just I asked myself, okay, when you hear somebody's secret, it's enjoyable. But when the secret is related with you, how will you enjoy? That's a story. So that is where that story develops. I think then you wait for the film. Okay, 1.5 crore rupees. So Papa ka call aaya mere paas ki aisa aisa mera wala fraud hoga, scammer hoga. To unhone bola nahi, scammer to lag nahi raha hai. Mera number bhejiye mujhe. तो मैं बात किया तो बोलता है कि मैंने क्या है बताओ, तो बोलता है कि 20,000 आपको पे करना है, प्रोसीजर ये है और फिर आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे. तो मैंने बोला कल बात करना. तो फिर कॉल, मतलब कल कॉल आया तो मैंने बोला एक काम करो भाई, 1.5 करोड़ तुम रखो, कोई नया बिजनेस करो, कम होगा तो 20,000 मैं दे दूंगा. एंजल इन्वेस्टर बन गए आप तो स्कैमर्स के साथ, कमाल कर रहे हैं. गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन. बात है, बहुत सारे रेगुलर चल रहे हैं केबीसी के नाम पे. मैंने तो पॉसिबली आई एम अ जर्नलिस्ट, थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोगों में आई एम श्योर ज़्यादा ही होता है बिकॉज पढ़ लिख के ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं. एक बार मुझे यूके से फ़ोन आया एंड फॉर सम एक होता ना फाइनेंस एंड ब्रोकिंग ब्रोकरेज उसके लिए. एंड सर्टनली जर्नलिज्म और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं होता. बैंक में भी हम लोग ब्लैकलिस्टेड होते हैं कि अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपके घर वालों को, आपको हम नहीं समझा सकते हैं. सो उनका फ़ोन है, मेरा सस्पेशन बढ़ा. मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं मुझे दोस्तों से मिला. मैंने कहा मेरा कोई दोस्त इन सब चीज़ों में नहीं है, आपको नंबर कैसे मिला? आपका यूके का नंबर क्यों? क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ. मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आप इंडिया में फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आप यूके के लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं आई एम जस्ट वर्किंग. मैंने कहा नहीं आप काम क्यों कर रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अगली बार फ़ोन किया तो सीधे पुलिस में नंबर जाएगा. और 2 महीने से फोन नहीं आया है. Oh. तो मैंने धमका के उसको छोड़ दिया. उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम. आप इस टोन में आपने बोला होता पुलिस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी मैम. वो वैसे ही डर के उसने कहा इनको नहीं करना है. थैंक यू सो मच बाय. या माय नेम इज सोहेल एंड आई एम फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरा कुछ थोड़ा अलग वाला थोड़ा हिसाब किताब है. मतलब आई कैन से लाइक लिटिल बिट सिमिलर कह सकते हो. लाइक वी आर इन द मीडिया, वी आर ऑन द सोशल मीडिया. एक्चुअली समन रैंडमली यू नो लाइक एक वीडियो कॉल आता है एंड व्हेन यू जस्ट ट्राई टू सी, कभी आप पिकअप कर लेते हो एंड सडनली यू नो यू गेट टू सी फीमेल हु इज यू नो नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट पोजिशन यू नो. एंड इमीडिएटली आई जस्ट कट इट बिकॉज आई वांटेड होम ओनली एक्चुअली ऐसा था. और नेक्स्ट डे आई रिसीव अ कॉल एक्चुअली यू नो सेइंग शोइंग मी अ स्क्रीनशॉट एक्चुअली या and just trying to yeah that's I haven't said this thing to anyone except my wife and that was later on. Seriously matlab ye it was a very shocking thing you know at that time. Aisa matlab humko laga ki suna to bahut tha ye crime matlab you know cyber crime is tarah se hota hai. And the next day like that person demanded ki mera phone toot gaya hai aur mere liye aap phone khareed ke dijiye. Main I said ki nahi I then वही वाला ऐसा हिसाब कि आप दीजिए. आई सेड ओके देन यू कैन लाइक अगर इफ यू वांट टू इट लाइक यू नो बट आई न्यू इट के इस तरह से होता है बहुत बार. एंड आई हैड जस्ट स्पोकन टू वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो फॉर इट. तो उन्होंने बोला था देखो अगर अगर आपको ज़्यादा ऐसा रिपीटेशन होता है तो यू लेट मी नो. एंड आई डिड नॉट यू नो मतलब मैं घबराया नहीं इस बात से. तो फिर वापस सेकेंड टाइम कॉल आया पर फिर तीसरी बार नहीं आया एक्चुअली. तो यू नो आई थिंक सो कि दिस वॉज समथिंग विच वॉज रियली बैड ऑन. ये चीज़ बहुत होती है यू नो. तो ये फिल्म से अगर हमने जो भी देखा है इस तरह के बहुत सारे किस्से हो गए और बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और बहुत से लोग इसके शिकार हुए भी हो गए आई फील. एंड बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं. ಈ ಗೋ ಗೋಸ್ಪಾತಿ ಆತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ
ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲಮ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಸಾರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ as you might be knowing, he said that his Hindi is not that great, but he wants to convey that this is the first time he's been putting his first step in this making this Hindi movie. Wow. And if your support, if he gets your support and love, then he would be, he's very eager to make another one, another Hindi movie. So he, all he wishes is that the audiences love the movie, because the entire team has put in a lot of hard work, and he wishes that everyone loves the movie as much as they have loved making it. Wow. So he has thanked each and every, the entire cast, with this wishes he wants to make the next movie. That's thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing that with all of us. I'm in presence here, and as Susie said, we are an independent filmmaker, very content oriented filmmaker. All his films were like that. So we need your extreme support in your future thing as well. And I want to thank my actors. You know, what a mind-blowing performance. Akshay, what you have done in the film? Baap re. And then this Urvashi looks so more beautiful. I think he was going to get more female fans after the film release. Yes, she looks, I think, no makeup, if I say. Yes, she looks gorgeous in the film. And Vinit, and we screened this film to an audience, and I could overhear that, you know, they were talking about who has done a better thing in the film. So I could see that someone was saying, Akshay is the one outstanding. And half of the crowd saying, Vinit is scoring well. And of course, Urvashi. So this is, you're going to see the good, mind-blowing performance from, terrific performance, I would say, from all of them in the film. And I'm eagerly waiting for the reviews to say, you know, who is going to get more appreciation. I'm sure that looking for the film critic to, you know, the reviews for that. And thank you very much. And thank you to Susie for giving this film. And my special thank you to Ramesh Reddy sir and Jyothika for traveling this journey with us for this Guspetia. And Sarita, my friend, my sister, I miss my Anna today. But without them, this stage is not possible for us. And thank you everyone. And we need your support. Thank you so much. सही मायने में वैसे ही हुआ. मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं. और अलग अलग नंबर से मुझे कॉल आते थे, आज रात को फ्री है. मैं बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता रही हूँ. उस वक्त उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बताया गया. मिल नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे, हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे. और फिर मुझे लास्ट में बहुत बहुत सारे नंबर से कॉल आते गए, बहुत कुछ बोला गया, मिल सब कुछ कर हमारे साथ जो भी है. और आखिर में मेरा एटीएम कार्ड वो स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन शेयर की, और उसके पीछे जो सीवीवी नंबर हम किसी को नहीं देते वो भी स्कैन कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड उसका भी कर लिया, और बोले जो भी पैसा है हमें दे. लास्ट में जब मैंने मानी नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, जहाँ पर भी जो भी करना है आपको, शेयर करना है, जिधर वायरल करना है, क्या करना है कर दो, मैं नहीं आऊँगी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तुझे 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे. भगवान की दया से मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे 10 लाख रुपए देते हैं, तू हमारे लिए काम कर. उस वक्त लेकिन 10-12 दिन मैं जॉब पर नहीं गई थी. फिर मुझे सामने से सर मैम ने कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या बात है, जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, ऐसा क्या हुआ, ट्रेनर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी से. तो फिर उन्होंने, वो मेरे घर पे आए और पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं. फिर मैंने उनको सब कुछ बताया, और उन्होंने मुझे निखिल सर का, मतलब निखिल सर का नंबर वगैरह दिया, और उस माध्यम से मैं फिर अपने आप को बचा पाए. आई एम सॉरी. ये शेयर करने के लिए धन्यवाद. बचाई है, एंड बहुत बार हम मीडिया में भी आ चुके हैं, और हम हर बार कहते हैं कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं. तो आप ऐसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों को बताएं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, अदरवाइज हम है ही. थैंक यू सो मच सर, ये शेयर करने के लिए.
please put your hands together for Team Ghuspaithiya for this very, very noble thing, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much. तो ये हुआ ही है, बट एक मेरे राइटर दोस्त है जिनकी कपल का पूरा बैंक बैलेंस क्लियर हो गया था एंड उनके ईएमआईज बाकी थे, लोन्स थे, सब कुछ, दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, जो भी उन्होंने कमाया था 30-20-30 लाख सब कुछ जीरो हो गया। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, पर्सनल ट्रॉमा से लोग गए, मेरे पर्सनली एक साथ ही नोज दैट स्टोरी ऑल्सो, कॉप बन के मुझे मेरे सारे पैसे गए थे, तो इट्स या इट वॉज इन स्पेन, बट ये सब जगह होता है। तो यार दिस इज अ बिग थिंग, इन्होंने ये मुद्दा निकाला है एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू बी।